मेला, जिसे हम पहाड़ी कौतिक भी बोलते हैं। मेले के लिए हम पहाड़ियों के अंदर एक अलग ही क्रेज होता है। जो पहाड़ी हैं वो ये बात समझ सकते हैं। जब पहाड़ों में मेला लगता है तब सब लोग अपना सारा काम पहले ही निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेले में जा सकें। तो आज हम भी पंतनगर एक ऐसे ही मेले में जा रहे हैं, पर ये मेला थोड़ा अलग है। ये मेला खासकर किसानों के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसे किसान मेला कहा जाता है। यहाँ आपको नॉर्मल मेले की वाइब्स तो मिल ही जाएंगी, पर यहाँ आपको किसान और खेती से रिलेटेड चीज़ें भी आसानी से मिल जाएंगी, जैसे कि खेत में यूज होने वाले सारे औजारों से लेकर ट्रैक्टरों तक सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्रणाम, पहला आप सभी को कैसे, आप सब लोग आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ 1 बजे से, और हम आए हैं पंतनगर किसान मेले में। अचानक से प्लान बना हमारा मेले में आने का, और आज इस पंतनगर के किसान मेले में आज मैं भी पहली बार आ रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है, कैसा है, क्या क्या मिलता है। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किसान मेला है क्या। हमारे साथ है पंकज मामा विद कैमरामैन सागर मंडरा। किसान मेले में मैंने अभी भी सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर और गाड़ियाँ होती हैं, किसी में भी बैठ सकते हैं। तो आज मैं जितने ट्रैक्टर मिलते हैं ना सब में बैठूंगी। अरे भाई, अगर कोई डांटेगा तो कोई नहीं डांटना, किसी को बैठ जाओ। मैंने नई गाड़ी खरीदी। एक किसान मेला है तो यहाँ पे जितने भी चीजें दिखेंगी सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही दिखेंगी। जैसे यहाँ पे अभी छोटे वाले ट्रैक्टर हैं, हर जगह बड़े वाले ट्रैक्टर नहीं जा सकते, तो ये छोटे वाले हैं जो छोटे छोटे खोपचों में फटाफट घुस जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हर जगह घुस जाते हैं। और यहाँ पर हम ये सब बिकने के लिए, अगर कोई खरीदना चाहता है तो इनको खरीद सकता है, पर हम यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। चलो फिर मैं भी बैठ। सुन लिया ना तो ना प्लेट। सुन लिया था ना प्लेट। हाँ, चढ़ रही थी तो इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना चढ़ूँ, तो ये भी एक ट्रैक्टर पकड़ के बैठ गए। किसान मेले का एक और फायदा है, यहाँ पे आपको जो प्राइस होंगे वो जो मार्केट रेट से होंगे वो थोड़े कम होंगे, डिस्काउंट प्राइस होंगे, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब ना मैं ऐसे एक और चीज दिखाने वाला हूँ बहुत मस्त, इतना बड़ा वाला ड्रोन, इतना बड़ा वाला ड्रोन। ड्रोन आ जाओ फिर, दवाई डालने के लिए है। मेरे को लगा वीडियो बनाने वाला है, यहाँ पता चला तो दवाई डालने वाला ड्रोन है। मुझे क्या लगा ये तेरे रील्स बनाएगा। यहाँ पे सारे मुझे कॉलेजेस और टेक्नोलॉजीज के दिख रहे हैं, ये सारे कॉलेजों के अपने अपने स्टॉल लगे हैं। हाँ, मतलब जितने भी जैसे साइंस टेक्नोलॉजी और मतलब जो एग्रीकल्चर वाले हैं, हर चीज़ के मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी वो होते हैं ना, सब चीज़ के अलग अलग। जैसे यहाँ पे है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अंदर लगा होगा। अरे इरिगेशन सिस्टम, ये इरिगेशन सिस्टम का एक वर्किंग मॉडल है जो कि किसी टेक्नोलॉजी कॉलेज ने बनाया हुआ है। सिंचाई करने का एक तरीका है ये भी, इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है, ये पौधों को उतना ही पानी देता है जितनी उनकी जरूरत होती है। Sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Gehu threshers saaf hai. Mama padhna bhi bhool gaya. Maine padhai nahi. Ye wo machine hai jo jaise hum gehu kaatte hai to ye ghaas ko aur daano ko alag kar deti hai. Automatic. ये जापानीज क्वेल है, इनको यहाँ पे दिखाने के लिए रखा गया है। ये हमको लगा है पहले तीतर है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीतर नहीं है लेकिन
ये हमारे उत्तराखंड में जितने भी अनाज पाए जाते हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है वो सब है, जैसे मडुआ है, इससे 6-8% प्रोटीन मिलता है, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, गेहूँ का चोकर, सरसों की खली, सोयाबीन का चूरा, साधारण नमक और खनिज मिश्रण। इन कंटेनर्स के अंदर सारे वॉर्म्स रखे गए हैं जो अलग अलग जानवरों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ये है लार्वा अवस्था, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये है मुर्गियों की आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि, और ये सुअर की आंत के अंदर, ये मनुष्य, ये हमारे पेट के अंदर देखो ऐसे होते हैं। हाँ मेरे भी निकले हैं ऐसे। देखो तुम दोनों क्या बोलते हैं, मुझे कड़कनाथ का अंडा काला होता है, यहाँ ये नॉर्मल अंडा जैसा है। खाली मुझे ठगते रहते हो। मैं ही जीती, मुझे उस दिन भी पता था मैं ही जीती। यह है दोस्तों कड़कनाथ, ये कड़कनाथ है जो जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे गलत दी कि इनका अंडा भी काला ही होता है। अभी हम दूसरे कैंप में आ गए हैं, यहाँ पे फिश फार्मिंग से रिलेटेड हमको चीजें मिलेंगी बहुत सारी, आइए देखते हैं। ओह माय गॉड टाइटेनिक, ये टाइटैनिक को नहीं दिखाया गया, ये दिखाया जा रहा है कि मछलियों को कहाँ रखा जाता है। हाँ ये कितना अच्छा है मेरा भनार, ये ट्रैप है जिससे मछलियों को शायद पकड़ा जाता है, और ये केज है जिसमें मछलियों को रखा जाता है। अभी तक तो हम सिर्फ 3 या 4 स्टॉल्स में गए हैं, ऐसे यहाँ पे इतनी सारी स्टॉल्स हैं, इन सारी स्टॉल्स के अंदर जो भी है वो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ आके खुद देख सकते हैं। अभी 3-4 दिन और चलेगा ये मेला, मैं जो जो जरूरी चीजें होंगी वो मैं डाल दूंगी वीडियो में। खरीदना है आपको, कुछ चेक करना है, टेस्ट करना है, वो सब यहाँ मिलेगा आपको, असली कौतिक तो यहाँ लगा है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. मामा कौन सी आइसक्रीम है ये? ये वाली जो आइसक्रीम है वो मैंने आज तक सिर्फ मोबाइल में ही देखी थी, आज मैं इसको लाइव देखूंगी कि सामने से कैसे बनती है। अरे क्या कर रही है यार, जैसा इसका हवा बनाया है ना, हर जगह यही वाली आइसक्रीम खानी है, इतनी अच्छी भी नहीं, इससे अच्छा तो आइसक्रीम होती है नॉर्मल वाली। अब जो यही वाले जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सब में नर्सरी है, मिर्च, प्याज, टमाटर, जितने भी पौधे हैं ना सब मिल जाएंगे, पर बीज नहीं मिल रहे हमें, पता नहीं बीज कहाँ है। अभी इन कारों में हमने फोटो शूट कर लिया है, यहाँ पे महिंद्रा की कार लगी हुई थी, बाकी फोटो देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फोटो मिल जाएंगी। ये देखो छोटा वाला ट्रैक्टर चल रहा है। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो ही रहा है, हमको पता नहीं था पर आज यहाँ का लास्ट दिन था, तो जब हम यहाँ आए थे तो धीरे धीरे सब यहाँ खत्म हो रहा था, अब शायद आज यहाँ का लास्ट दिन है, आज से अब अगले साल ही ये मेला लगेगा। अभी ये जा रहे हैं बोलने की मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, पता नहीं क्या इरादा है खेती बाड़ी करने का। चलाने दे रहे हैं, काश मुझे भी गाड़ी चलानी आती।
मैं भी चलूं। आज इनको फ्लिप का जोश चढ़ा है, लेट्स सी। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Finally, आज का हमारा दिन पूरा हो गया। हमने खा लिया, पी लिया, नाच लिया, हम फील्ड में लेट भी गए और सब कुछ चख भी लिया यहाँ, और किसान मेला भी खत्म हो गया। डांस और फोटो के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैं नीचे सबकी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में।